बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू सऊदी इन्फो। और मैं हूँ मोहम्मद कबीर। का ट्रैफिक कानून की खिलाफवर्जियाँ आए रोज़ नितने कवानीन बनते हैं और उनमें इजाफ़ा होता रहता है। यहाँ पर एक कानून में इजाफ़ा किया गया है, उसकी वजाहत की गई है कि अब अगर आप किसी भी अंडरपास, किसी भी टनल में दाखिल होते हैं तो आपकी गाड़ी की लाइटें जलना ज़रूरी हैं। अगर आपकी गाड़ी की लाइटें नहीं जल रही तो आपको जुर्माना होगा। कितना जुर्माना होगा इस पर भी बात करेंगे, लेकिन मैं आपको यहाँ पर वजाहत करता चलूँ कि इस तरह के मज़ीद कुछ ऐसे कवानीन अभी हाल ही में बनाए गए हैं जिन पर अमल करना ज़रूरी है। जिस तरह अगर आप की गाड़ी स्टार्ट खड़ी हुई है और अगर आप गाड़ी के अंदर मौजूद नहीं हैं तो अब भी आपको जुर्माना होगा। इसी तरह आप अगर किसी ऐसी जगह पर गाड़ी खड़ी करते हैं जहां पर मज़दूरों के लिए या बुज़ुर्गों के लिए मखसूस पार्किंग है, वहां पर गाड़ी खड़ी करते हैं तब भी आपको जुर्माना होगा। तो इस तरह की नई पाबंदियाँ आ रही हैं। और इस तरह आपको मैं ये भी बताता चलूँ कि बेल्ट, सीट बेल्ट अगर आप नहीं लगाते तो आपको जुर्माना होगा। और अगर एक दफ़ा जुर्माना हो जाता है और 30 दिन के अंदर आप दोबारा यही खिलाफ वर्जी करते हैं तब आपकी गाड़ी भी पुलिस तहवील में जा सकती है, आपकी गाड़ी भी पकड़ी जाएगी। तो यहाँ पर हम बात कर रही हैं कि टनल के अंदर अगर आप दाखिल होते हैं और वहाँ पर आप लाइट नहीं जलाते तो आपको 500 रियाल से 900 रियाल तक जुर्माना हो सकता है। इसलिए एहतियात कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।